हेलो फ्रेंड्स, क्या चल? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो गाइस आज मैं कुछ अलग टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैं इस टाइप कुछ फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी उसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आज से कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड करूँगा। गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम लेते हुए। और हाँ गाइस, अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम लेते हुए, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार्ट की तरफ और पिक्सार्ट कर लेते हैं ऑन। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ओपन कर लेनी है। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस पिक्सार्ट ओपन करने के बाद आपको इस प्लस के आइकन पे जैसे क्लिक कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, ऑल फोटोज पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपने आ जानी अपनी फाइल में, जिसमें अपने फाइल में फ़ोटो रखा होगा उस फाइल में आप चले जाना। अपने फाइल में जाकर अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। तो मैं सारा का लिंक दे दूंगा, जितने PNG में यूज़ करने वाला हूँ मैं सारा का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाली बैकग्राउंड को ओपन कर लेनी है। अगर मैं ओपन हो चुके हैं तो अपने फ़ोटो कर लेते हैं यहाँ से ऐड। तो चलते हैं ऐड फ़ोटो में और अपनी फाइल में जाते हैं, और ये फ़ोटो को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो कुछ इस तरीके का फ़ोटो है, यहाँ पर क्लिक किया हुआ, तो यहाँ से सेट कर लेंगे। थोड़ा कुछ इस साइड में यहाँ पर रखेंगे, ऐसे थोड़ा छोटा कर देंगे, और यहाँ पे कर लेंगे सेट। सुबह से हमारा जो फोटो है यहाँ पे सेट हो चुका है, तो यहाँ पर लेते हैं डन, और चलते हैं ऐड फोटो में। कुछ PNG है वहाँ मैं ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दो बोतल को आपको ऐड कर लेनी है। तो हमारा जो दो बोतल है यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, थोड़ी बोतल को साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा, और इस सेकेंड पार्ट में इस बोतल को भी यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं दो बोतल को मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और चलते हैं फिर से ऐड फोटो में। तो ऐड करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको इस सिगरेट को ले लेंगे, ऐसे आप उसे घेट पीना मत, जो बस ऐसे में लुक बनाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसकी लिट को छोटा कर लूँगा थोड़ा, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। तो ये साइज जो है सही रहेगा। तो आपको करना क्या है, थोड़ा ऐसे कर देनी है, उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा अपोजिट को कम कर लेनी है, और उसके बाद इरेजर पर क्लिक करना है, और हार्डनेस को बढ़ा लेनी है, साइज को कर लेते हैं छोटा, ताकि वो जो कट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से कट हो जाए। तो ऐसे हमारा जो है यहाँ पे कट हो चुका है, तो देख सकते हो। अब चलते हैं, ये इसको थोड़ा मैं ऑपोजिट को बढ़ा लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये क्या करेंगे, जो स्मोक है इसको मैं थोड़ा जाऊँगा ब्लेंडिंग मोड में, यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और ये स्मोक को यहाँ पे सेट कर देते हैं, ऐसे लगे कि भाई ये थोड़ा धुआं निकाल रहा है। तो कुछ इस तरीके का स्मोक है भाई, थोड़ा ऐसे पतला कर देंगे। और क्या करेंगे इस यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करेंगे, हमको जो साइज दिख रहा है इसको हटा देंगे फालतू को। तो कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो वैसे डन करने के बाद चलते हैं फिर से ऐड फोटो में। अब क्या करेंगे इस यहाँ पे थोड़ा लगाएंगे क्या, क्लियरली स्मोक ले लेंगे, और यहाँ से हेयर स्टाइल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हटा देते इसको, उसके बाद क्या करेंगे, जो स्मोक ये वाली इसको मैं जाऊँगा ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से यहाँ से जाएंगे ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेते हैं स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद इस वाली सिगरेट पर लगाएंगे, थोड़ी छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे।
और इरेजर पे क्लिक करके हल्का कैसे इरेज कर देंगे। सो सब देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और हेयर स्टाइल को मैं ऐसे घुमा लेंगे और थोड़ा ऐसे सेट कर देंगे। तो सेट करने के बाद कैसे करना है आपको, थोड़ा ऑपोसिटी को कम करना है ताकि आपको पता चले कहाँ से कट करनी है, और इरेजर पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ से कर लेते हैं कट। फालतू जो है इसको कट कर लेंगे। तो बस हमारा जो कट हो चुका है तो यहाँ से ऑपोसिटी को बना लेते हैं। तो बस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना है हेयर स्टाइल को, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था तो यहाँ पे मैं छोटा कर लिया हूँ, तो सेट कर लिया हूँ। तो कैसे यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद चलते हैं फिर से एडवर्ड में। तो अपनी फाइल में आ जाते हैं, सारा चीज़ पीएनजी पे ही होता है। पीएनजी आप अच्छे तरीके से सेट कर लिए तो भाई आप फोटो को अच्छे तरीके से एडिट कर लोगे। तो यहाँ से कर लेंगे इसको, और इस वाली लाइट को भी ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं, तुम्हारा जो दो पीएनजी ऐड हो चुका है ये इस ऐड को क्या करेंगे, जाएंगे ब्रांडिंग मोड में और यहाँ मल्टीप्ले पे क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट कर देनी है, क्योंकि शैडो बन बन जाएगा बहुत आसानी से, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको ये वाली जो पीएनजी है इसको थोड़ा साइज को बड़ा रखेंगे और क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे ब्रांडिंग मोड में फिर से और स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ पैसे रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे गाइस। ये जो बुक इफेक्ट है वो बहुत बेहतरीन लगता है। तो कैसे यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो कैसे अब देख सकते हो कि सारा चीज़ यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, और यहाँ पे करना क्या है वो कुछ लाइट सेट करना है। तो आपको दिखा देते हैं कौन सा लाइट सेट करना है। तो हमारा जो सारा पिन जो कैसे सेट हो गया, बस ये लाइट जो है मैं सेट करने वाला हूँ, बट अभी नहीं, इसको कुछ कलर सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले करना है क्या, इस फोटो को सेव कर लेते हैं। तो इस स्क्रीन डॉट पर क्लिक करके अपनी फोटो कर लेंगे सेव, और कुछ इसमें कलर सेटिंग करेंगे। तो चलते हैं लाइटिंग की तरफ, वहाँ पर करते हैं कलर सेटिंग। तो गाइस हमारा जो लाइटरूम में ओपन हो चुका है, तो अपने फोटो को यहाँ ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे देख रहे हो प्लस का भी क्लिक बना हुआ है, तो आपको उस पर क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे टाइम लगेगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, तो ऐड पर क्लिक कर देंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पर कैमरा भी क्लिक हो गया, इसमें बैक आ जाता हूँ। तो हमारा जो फोटो ऐड हो चुका है, तो अपने फोटो कर लेंगे ओपन। तो गाइस हमारा जो फोटो है ओपन हो चुका है, तो अब यहाँ से करेंगे कलर सेटिंग। तो सबसे पहले आपको लाइट पे क्लिक करना है, और लाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे हाईलाइट, यहाँ पे अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पे कलर सेटिंग करना है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत नहीं है, तो हल्का हाईलाइट थोड़ा कम रखेंगे। साइड हुक तो थोड़ा साइड हुक यहाँ बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वाइट बैलेंस, तो वाइट बैलेंस का भी थोड़ा यहाँ काम नहीं है, हल्का सा मैं कम कर दूँगा। ब्लैक, तो यहाँ पर थोड़ा ब्लैक को यहाँ पे कम रखूँगा। उसमें लाइट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने में थोड़ी ये रेड थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं कुछ ऑरेंज दे दूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ऑरेंज जो कि बैकग्राउंड से मैचिंग कर जाएगा, तो थोड़ा मैं टी शर्ट को ऑरेंज कर देता हूँ। तो ल्यू को मैं थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। उसका क्या करना है, लुमियस, तो लुमियस को थोड़ा सा यहाँ पे लुमियस थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे। उसके बाद थोड़ा लुमियस को, सॉरी ये जो सैचुरेशन को मैंने बढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा मैं सैचुरेशन को यहाँ पर बढ़ा दूँगा। ठीक है गैस, उसके क्या करना है, लुमियंस, तो लुमियंस को यहाँ पे बढ़ा देंगे गैस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है गैस, आपको यहाँ पे ब्लू टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कम रख लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सेचुरेशन को आपको बढ़ा देनी है, लुमियंस, तो लुमियंस को हल्का सा यहाँ पर कम रख देनी है। उसके बाद क्या करना है गैस, आपको येलो टोन पर क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा ऐसे कम कर देना, थोड़ा 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 सेचुरेशन को भी आप यहाँ पर कम कर देना, लुमियंस, तो लुमियंस को भी हल्का सा यहाँ बढ़ा देना। उसके बाद चलते हैं इस पर, उसके बाद ना थोड़ा यहाँ पे लुमियंस को बढ़ा देंगे, ताकि जो फेस है अच्छे तरीके से गोरा हो जाए। यहाँ पे जो फेस हमारा गोरा हो चुका है, तो अब क्या करना है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम रखनी है। ठीक है, उसके बाद थोड़े वेवलेंथ को यहाँ पे बढ़ा देंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा देंगे। उसके बाद थोड़े वेवलेंथ को थोड़ा यहाँ पे कम रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, थोड़ा यहाँ पे शार्पनेस को बढ़ा लेंगे, ताकि जो फोटो है साफ दिखे और क्लीन दिखे।
और क्या कहना, यहाँ पे नॉइस तो नॉइस भी थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि जो फेस अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाते हैं। यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद लाइट रूम, सॉरी लाइट रूम, यहाँ पे ऐप जो है बहुत अच्छा ऐप है गाइस, आप अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा मैं कलर नॉइस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि जो कलर है अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं सब बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना मतलब मस्त ये फोटो लग रही है गाइस, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे करने के गाइस आपको थोड़ा वाइब्रेंट, तो यहाँ पे वाइब्रेंट को थोड़ा कम रखेंगे तो जाएगी फोटो अच्छे तरीके से, हाईलाइट दिखे मस्त दिखे। तो यहाँ पे आपको लाइट सेट करना है। तो चलते हैं पिक्सार्ट में। तो यहाँ से तीन डॉट के बगल में लिखा हुआ है ऐसे क्रॉस बना हुआ, उस पर क्लिक करना है शेयर पे। और वहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके अपनी फोटो कर लेंगे पिक्सार्ट में शेयर। तो हमारा जो ऑप्शन है ओपन हो चुका है, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा पिक्सार्ट कहाँ है। तो यहाँ पिक्सार्ट में मैं अपने फोटो को ओपन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो वैसे हमारा जो फोटो है पिक्सार्ट में ओपन हो चुका है। तो यहाँ से चलते हैं अपने ऐड फोटो में, तो अपने फाइल में आ जाते हैं गाइस। उसके बाद क्या करना है, ये रही लाइट को ऐड कर लेनी है और जाएंगे यहाँ पे ब्रांडिंग मोड में। यहाँ से करेंगे स्क्रीन, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँगा कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो वैसे देख सकते हो थोड़ा लाइट लगाने पर फोटो का क्वालिटी क्या चेंज होंगे गाइस। तो वैसे देख सकते हो कितना मस्त वाली फोटो लग रही है। अब इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी यहाँ पे और यहाँ से कर लेंगे सेव। सो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना एकदम मत भूलना। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।